बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा आयशा सलाम यूट्यूब चैनल से हाजी लियाकत अली एक मरतबा फिर आ रहे हैं। तो क्लास नाइन्थ के बच्चों से मैं मुखातब हूँ जो साइंस पढ़ते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले मैट्रिक्स की तारीख, उसकी थ्योरी और उसके इस्तेमाल, फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और फिर इक्वल मैट्रिक पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 पे आ गए। तो इसमें वही चीज़ है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब जरा गौर करें, 2, 3, -5 क्वेश्चन मार्क है, 2, 3, -5, -5, 6 ये मैट्रिक्स ए है। अब हमने इसका ऑर्डर बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इसमें है 2, 1, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें है 2। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया? ऑर्डर इसका तो हो गया 2 by 2। इसके बाद बी इज इक्वल टू है 2, 0, 3, 5।3 रॉज और 3 कॉलम का ऑर्डर क्या बनेगा? 3 by 3 H।
एच में आप देखें कि रॉस की नंबर है, रॉस का नंबर है 2, यानी नंबर ऑफ रॉस 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, देयरफॉर वी से इट्स ऑर्डर 2/3, इट्स ऑर्डर 2/3। तो ये कुछ सवाल थे जिनके आपने आपको मालूम करने थे, वो मैंने आपके सामने कुछ हल किए हैं, कुछ मैंने आपको जुबानी बताए, यकीनन आपको समझ आई होगी। अब आप अपनी बुक्स पे देखेंगे, गौर करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मैंने आपको इक्वल मैट्रिक के बारे में बताया था कि उनकी उसकी एंट्रीज भी और उसका ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए की एंट्रीज और उसका ऑर्डर मैट्रिक्स बी की एंट्रीज और ऑर्डर के बराबर है, देन वी से ए इज इक्वल टू बी, और अगर वो बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू नॉट बी। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू 3, इसकी एंट्री भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1/1 है, तो ये इक्वल है सी के। अब सी में लिखा 5 माइनस 2, तो ये इसकी एंट्रीज 2 नहीं है, इसकी एंट्रीज 2 नहीं है, बल्कि एंट्री 1 ही है। 5 में से 2 निकाल दे 3 है, देयरफॉर वी से ए इज इक्वल टू सी। बी इज इक्वल टू 3/5, रॉ 1 है, कॉलम 2 है। तो अब हम ढूंढेंगे कि जिसके रॉ 1 हो और कॉलम 2 हो, तो ये आई इज इक्वल टू है 3 प्लस 2 5 बन जाएगा, एंट्रीज बराबर हो गए और इनका ऑर्डर भी बराबर हो गया। इसी तरह ई इज इक्वल टू एच 4062, नंबर ऑफ रॉस 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 एंड एंट्रीज आर इक्वल, देयरफॉर वी से E is equal to H, और F is equal to G, G इंक्रीज 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, F is equal to G because its increase are equal and its order is also equal। तो ये चंद सवाल थे जो मैंने आपको करवाए हैं। इसमें J इज इक्वल टू E है, J इज इक्वल टू E, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6 एंड 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वी से J इज इक्वल टू E। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम कल इंशाल्लाह दोबारा आपको एक सवाल इसका थर्ड सवाल क्वेश्चन रहता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताएंगे, और यकीनन आपको इंतज़ार रहेगा मेरा। और आयशा असलान यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसके अलावा आप डायरेक्ट कमेंट्स भी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।